ये मेन सिंगल्स का फाइनल मैच चल रहा है अर्जुन रेहानी और वैभव जाधव के बीच। पहला सेट अर्जुन ने जीता और दूसरा सेट अभी चल रहा है। वैभव का रिटर्न शटल आया, कोर्ट की साइड लाइन के बाहर पॉइंट मिला अर्जुन रेहानी को। अच्छा शॉट वैभव का, पॉइंट लिया 14-4 का स्कोर, 4-14 का स्कोर। एक पॉइंट और मिला, 15-4 का स्कोर, 11 पॉइंट की जीत पर अभी है अर्जुन। बहुत अच्छा रिटर्न अर्जुन का, बहुत अच्छा स्मैश पॉइंट लिया अर्जुन ने एक और अपने लिए, 16-4 का स्कोर। पॉइंट मिला है ये वैभव जाधव को। अर्जुन रेहानी का पॉइंट, पॉइंट मिला वैभव जाधव को। साढ़े 5 का स्कोर, पॉइंट मिला एक और अर्जुन को। रेहान वैभव का पॉइंट किए, और पॉइंट मिला वैभव को 7-18 का स्कोर। अच्छा शॉट अर्जुन का, पॉइंट मिला ये एक और अर्जुन को।
एक और पॉइंट मिला वैभव को, 8-19 का स्कोर, 11 पॉइंट के लिए डबी है अर्जुन रेहानी के पास। और लगभग तय है कि ये दिल्ली स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का मेन सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर चुके हैं। अब सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है, क्योंकि 11 पॉइंट की लीड कोई छोटी लीड नहीं होती है, बहुत बड़ी लीड होती है। ये अच्छा शॉट, 9-19 का स्कोर, और कुछ पॉइंट तो ले सकते हैं वैभव, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि मैच में वापसी करना बहुत मुश्किल, और अगर ऐसा हो गया तो चमत्कार होगा। सभी दर्शक यहां पर यही चाहेंगे कि मैच में वापसी करें वैभव, मैं भी चाहूंगा कि मैच में वैभव वापसी करें, तीसरा सेट लगे, लेकिन वो सब दिल के सोचने की बात है। एक पॉइंट और मिला अर्जुन को, अब सेट और मैच पॉइंट पर है अर्जुन, एक पॉइंट चाहिए अर्जुन को जीतने के लिए, और ये आया पॉइंट। इसी के साथ ये सेट और मैच जीता है दिल्ली स्टेट बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का। कांग्रेचुलेशन, ये मैन सिंगल्स का फाइनल मैच अर्जुन रेहानी ने अपने नाम किया है।